इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 है थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी। तो उसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का सॉल्यूशन दे दिया है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे तक। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम आप क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है और इस एनसीईआरटी की बुक का एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अभिक्रिया ए प्लस बी एरो सी प्लस डी प्लस क्यू के लिए एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक पाया गया। धनात्मक पाया गया यह अभिक्रिया संभव होगी। यह अभिक्रिया संभव होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अभिक्रिया जो ये दे रखी है ए प्लस बी एर सी प्लस डी प्लस क्यू के लिए एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक पाया गया है, यह अभिक्रिया संभव होगी। इसका ऑप्शन दे रखे हैं निम्न ताप पर और दूसरा ऑप्शन है इसका उच्च ताप पर और थर्ड ऑप्शन है किसी भी ताप पर नहीं और इसका फोर्थ ऑप्शन है किसी भी ताप पर, ठीक है। ये चार ऑप्शन है। देखो एंट्रोपी पर ताप का प्रभाव पड़ता है, अगर हम निकाय का ताप बढ़ा देते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है। और एंट्रोपी जो परिवर्तन धनात्मक है, ये एंट्रोपी परिवर्तन जिसे हम डेल एस से शो करते हैं, ये कैसा है, धनात्मक है। तो एंट्रोपी परिवर्तन अगर धनात्मक है तो निकाय कैसा होगा आपका, निकाय स्वतः प्रवर्तित होगा, ठीक है। निकाय कैसा होगा आपका, स्वतः प्रवर्तित होगा। अगर एंट्रोपी परिवर्तन आपका पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो एंट्रोपी पर ताप का प्रभाव पड़ता है, अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, चाहे वो ताप निम्न हो चाहे वो ताप उच्च हो, ठीक है। निम्न ताप हो या उच्च ताप हो, अगर आप ताप दे रहे हैं किसी निकाय के लिए तो एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी परिवर्तन का मान धनात्मक आएगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन है निम्न ताप पर, दूसरा है उच्च ताप पर, तीसरा है किसी भी ताप पर नहीं। तो ये तो इसका ऑप्शन किसी भी कीमत पर हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ताप का प्रभाव पड़ता है एंट्रोपी पे। और किसी भी ताप पर, तो निम्न ताप और उच्च ताप कोई सा भी ताप हो, ताप का प्रभाव पड़ता है एंट्रोपी पर, एंट्रोपी परिवर्तित होती है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, ये भी इसका आंसर नहीं है और ये भी इसका आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो इसका विकल्प नंबर 4 है, किसी भी ताप पर एंट्रोपी परिवर्तन का जो मान होता है वो धनात्मक होता है, ठीक है। तो अब नोट कर सकते हैं, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इस एक परिक्रम में निकाय द्वारा 701 जूल ऊष्मा अवशोषित की होती है और 394 जूल कार्य किया जाता है, इस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है। निकाय द्वारा 701 जूल ऊष्मा अवशोषित होती है, ये Q बराबर दे रखा है 701 जूल, ठीक है, और 394 जूल कार्य किया जाता है, W की वैल्यू कितनी है 394 जूल,
ठीक है, निकाय द्वारा जो ऊष्मा अवशोषित की गई है वो 701 जूल है, और निकाय द्वारा जो कार्य किया गया है वो 394 जूल है। ठीक है, और ये आप जानते हैं जब निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो वो ये नेगेटिव में आता है। ठीक है, इसे आप किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। अगर निकाय पर कार्य किया जा रहा है, अगर निकाय पर कार्य किया जा रहा है तो ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर निकाय के द्वारा कार्य किया जाता है तो वहां पर W नेगेटिव होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां से ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम की जो समीकरण है वो ये है, डेल ई बराबर क्यू प्लस W। ठीक है, चाहो तो आप इसे डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस W ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहां क्या है, निकाय पर कार्य किया गया है, निकाय पर कार्य किया जाता है। ठीक है, और यहां W का मतलब क्या है, निकाय द्वारा। ठीक है, निकाय द्वारा कार्य किया जाता है। तो यहां से Q की वैल्यू है 701 जूल, तो यहां पे इस वाले फॉर्मूले में आप रखोगे 701 W माइनस 393। ठीक है, 394 जूल है, तो इसकी वैल्यू यहां पर रखोगे तो डेल ई बराबर 701 में से 394 जाएंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 307 जूल आएगा। ठीक है, 307 जूल, तो 307 और ये 394 को जब ऐड करोगे आप तो 701 आए। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, एक परिक्रम में निकाय द्वारा 701 जूल कार्य किया गया है, तो हमने क्यू का मान रख लिया 701 जूल, उसके 701 जूल उसमें अवशोषित होती है तो क्यू का मान कितना हो गया 701 जूल। यहां से 394 जूल कार्य किया जाता है निकाय द्वारा, तो W का मान कितना है 394। ठीक है, लेकिन हम क्या है, W की वैल्यू नेगेटिव में लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि निकाय के द्वारा कार्य किया गया है तो वहां W का मान ऋणात्मक होगा, और अगर निकाय पर काम किया जाता है तो वहां W का मान धनात्मक होता है। तो ये वाला सूत्र हमने इसमें यूज किया है। डेल ई क्या है, ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ही आपको ज्ञात करना है। क्यू का मान 701 हमने यहां पर रखा, W का मान 394 यहां पर रखा, और जब 701 में से 394 घटाएंगे आप तो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन आएगा वो 307 जूल आएगा। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इसे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, हाँ सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है। एक बम कैलोरीमीटर में साइनामाइड NH2CN जिसका फॉर्मूला है कि अभिक्रिया डाई ऑक्सीजन के साथ की गई है। ठीक है, ये साइनामाइड है और इसकी रिएक्शन की गई है डाई ऑक्सीजन के साथ, और डेल यू का मान -742.7 किलो जूल पर मोल पाया गया। ठीक है, डेल यू क्या है, इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है जिसकी वैल्यू इतनी दी गई है, और इसका टेम्परेचर है 298 केल्विन। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर है जैसे 25 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। इस अभिक्रिया के लिए 298 केल्विन पर एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात कीजिए, और ये केमिकल इक्वेशन आपको दी हुई है। ठीक है, निकालना क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन। तो एंथैल्पी परिवर्तन होता है हमारे पास डेल एच बराबर डेल यू प्लस डेल एन आर टी। ठीक है, ये एंथैल्पी परिवर्तन की जो ऊष्मागतिकी समीकरण है ये हमारे पास है, इस वाले फॉर्मूले को यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ डेल यू का मान कितना दिया हुआ है, -742.7 किलो जूल पर मोल, तो यहाँ रखेंगे आप -742.7। ठीक है, ये डेल यू का मान है। डेल एन क्या है, डेल एन का मतलब है मोलों की संख्या में परिवर्तन। मैं यहाँ डेल एन की वैल्यू लिख रहा हूँ, डेल एन का मतलब होता है N2 - N1, कब, गैसीय अवस्था में N2 - N1। N2 क्या है, ये अंतिम मोल है मतलब उत्पाद के मोलों की संख्या है, और N1 क्या है, ये इसके प्रारंभिक मोल है यानी अभिकारकों के मोलों की संख्या है गैसीय अवस्था में।
तो N2 का मतलब उत्पाद के मोल गैसीय अवस्था में। तो उत्पाद हमारे पास एक तो नाइट्रोजन है जिसका एक मोल है और कार्बन डाइऑक्साइड उसका भी एक मोल है, ठीक है। तो उत्पाद के हमारे पास कितने मोल हुए, दो, ठीक है। तो N2 का मान कितना आ गया, दो। हमें केवल गैसीय अवस्था के मोल चेक करने हैं, ये द्रव अवस्था में है जल, ये हमें काउंट नहीं करना है, हमें गैसीय अवस्था में ही उत्पाद के मोल चेक करने हैं। एक मोल यहाँ से, एक मोल यहाँ का, ठीक है, दो मोल इसके ये होगी। N1 का मतलब है इस अभिक्रिया में इसके प्रारंभिक मोल, मतलब अभिकारकों के मोलों की संख्या। तो अभिकारक हमारे पास क्या है, एक मोल तो साइनामाइड का है और दूसरा मोल है आपके पास ऑक्सीजन का, इसके 3/2 मोल है। तो यहाँ से ए प्लस 3/2 इनको आप ऐड करोगे तो 2 माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 5/2। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.5। जब 2 में से 2.5 घटाओगे तो ये आएगा माइनस के 0.5, जिसे आप -1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेल एन का मान कितना आया, माइनस के 1/2। तो यहाँ -1/2 रखोगे आप, आर का मान ये आप जानते हो 0.083, ठीक है, 0.0083 आर का मान यहाँ रखना होगा। ये ध्यान रहे आप, आर का मान ये बदलता रहता है, ठीक है, ताप और दाब की शर्तों के अनुसार आर का मान बदलता रहता है, इसलिए आप ये ना देखें कि आर का मान ये कहाँ से आया। आर का मान 8.314 भी होता है, आर का मान 0.0821 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ जो आर का मान हमने रखा है 0.0083 रखेंगे, और टेम्परेचर जो आपको दिया हुआ है 298 केल्विन, तो यहाँ आप 298 रखेंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये -742.7 माइनस 1/2 से अब इसे डिवाइड करें, मतलब 2 से इस 298 को डिवाइड करोगे तो यहाँ 0.0083 और ये हो जाएगा 149, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो -743.9 किलो जूल, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसके इसमें गुणा करने के बाद में जब इसको आप जोड़ोगे तो इसका आंसर आना है -743.9 किलो जूल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, ये सॉल्यूशन आया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 60 ग्राम एल्यूमिनियम का ताप 35 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितने जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी। मतलब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे क्यू की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, कितने जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी। यदि एल्यूमिनियम की मोलर ऊष्मा धारिता 24 जूल पर केल्विन मोल है, ठीक है, तो आपसे ऊष्मा पूछी गई है किसकी, एल्यूमिनियम का ताप अगर 35 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस करें तो कितने जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो आपने ऊष्मा धारिता का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मोलर ऊष्मा धारिता Cn बराबर क्यू अपॉन डेल टी इंटू एन, ठीक है, ये मोलर ऊष्मा धारिता का आपका फॉर्मूला है, ये मोलर ऊष्मा धारिता है, ठीक है। अगर केवल सिंपल ऊष्मा धारिता होती है तो उसे हम सी से व्यक्त करते हैं, और मोलर ऊष्मा धारिता है तो यहाँ पे स्मॉल एन लगाते हैं, एन का मतलब मोलों की संख्या है। तो Cn ये मोलर ऊष्मा धारिता है, Q ये अवशोषित ऊष्मा है, Q और ΔT ये ताप में परिवर्तन है, और N ये मोलों की संख्या है। तो आपसे पूछा क्या गया है, Q का मान पूछा गया है, ये वाला तो जो मान आपसे पूछा गया है उसे हम साइड में रख लेंगे, Q बराबर Cn इंटू ΔT इंटू N, ठीक है। Cn एल्यूमिनियम की ऊष्मा धारिता जो आपको दे रखी है 24 जूल पर केल्विन मोल, तो यहाँ आप 24 रखोगे, ΔT, ΔT का मतलब ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन ΔT बराबर आप लिख लेंगे T2 माइनस T1, T2 का मतलब अंतिम ताप और T1 का मतलब होता है प्रारंभिक ताप। तो आपका जो अंतिम ताप है वो ये दे रखा है 55 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ 55 रखेंगे, T1 का मतलब प्रारंभिक ताप
जो आपका 35 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, यहां से इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां आप ये 20 रखोगे, ठीक है, ऐसे आप केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस के लिए वैल्यू यहां सेम रखेंगे आप। एन का मान ये मोलों की संख्या है, किसके मोल, एल्यूमिनियम के, जो आपको 60 ग्राम दे रखा है, तो एन स्मॉल एन बराबर होता है डब्ल्यू बटे एन। डब्ल्यू का अर्थ होता है पदार्थ की मात्रा ग्राम में, तो वो दे रखी है आपको 60 ग्राम, तो डब्ल्यू का मान रखोगे 60। एन का मतलब होता है जिसकी मात्रा दे रखी है उस पदार्थ का द्रव्यमान कितना होता है, तो एल्यूमिनियम का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 27। ठीक है ना, क्या है, इसका परमाणु भार होता है एल्यूमिनियम का 27, तो एन का मान कितना आया 60/27, तो यहां आप रख दोगे 60/27। ठीक है, अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा 1.067 किलो जूल, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करता हूं, ये 60 ग्राम एल्युमिनियम है जिसका ताप 35 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितने जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ऐसा आपसे पूछा गया है। यहाँ एल्युमिनियम की मोलर ऊष्मा धारिता 24 जूल पर केल्विन मोल दी हुई है। सूत्र हमारे पास होता है Cn बराबर Q बटे ΔT into N। Cn ये मोलर ऊष्मा धारिता होती है, कि ये Q ये अवशोषित ऊष्मा होती है, और ΔT ये ताप में परिवर्तन होता है, और N ये मोलों की संख्या होती है। तो हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है ऊष्मा कितनी चाहिए, तो हमने Q बराबर जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये Cn into ΔT into N आएगा। Cn का मतलब एल्युमिनियम की मोलर ऊष्मा धारिता जो 24 दे रखी है, हमने 24 यहाँ पर रखी। डेल्टी का मतलब है ताप में परिवर्तन, जो हमने यहाँ से निकाला है, इसका ताप 35 से 55 डिग्री सेल्सियस हो रहा था, तो अंतिम ताप इसका माना जाएगा 55 जो T2 होता है, और प्रारंभिक होगा 35 जो T1 होता है। तो यहाँ से 20 आया, 20 हमने यहाँ पे रखा। एन का मतलब होता है मोलों की संख्या, तो एन बराबर डब्ल्यू बटे एम हमने पढ़ा है। W का मतलब होता है पदार्थ की दी हुई मात्रा, तो 60 ग्राम दे रखी है हमने यहाँ पर रख ली, ये पदार्थ का परमाणु भार होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने इसका एल्युमिनियम का 27 होता है वो हम पर रख लिया, और इसको हमने फिर यहाँ रखा। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.067 किलो जूल। ठीक है, नोट करें इसे, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 डिग्री सेल्सियस पर एक मोल जल की वर्ग -10 डिग्री सेल्सियस पर जमाने पर एंथैल्पी परिवर्तन की गणना कीजिए। यहाँ आपकी ये गलन एंथैल्पी दे रखी है, ठीक है, FVS का मतलब फ्यूजन है, फ्यूजन का मतलब गलना, तो ये गलन एंथैल्पी दे रखी है आपकी 6.03 मतलब 6.03 किलो जूल पर मोल, और ताप कितना 0 डिग्री सेल्सियस पर है। यहाँ स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता दे रखी है, किसकी, जल की, 75.3 जूल पर केल्विन मोल, और ये स्थिर दाब पर ये जल की ऊष्मा धारिता है लेकिन ठोस अवस्था में है, ठीक है, तो बर्फ के लिए कह रहा है 36.8 जूल पर केल्विन मोल। अब इसके इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका कहने का मतलब ये है, एक मोल जल है, जल है कितना, एक मोल, और ताप कितना दे रखा है उसका 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस पर जो एक मोल जल है वो कैसी अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा। ठीक है ना, यहां से हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो ऐसे में लाइन खींच देता हूं, तो यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस पर एक मोल कैसा होगा, द्रव अवस्था में होगा एक मोल जल। उसके बाद अब ये कह रहा है कि इस जल को हमें बर्फ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, बर्फ में, तो बर्फ ना लिख के मैं यहां लिख रहा हूं एस, एस का मतलब सॉलिड ठोस अवस्था में, क्योंकि रहेगा तो वो पानी ही, यहां द्रव अवस्था है, यहां इसकी ठोस अवस्था है, और टेम्परेचर कितना होना है इसका, -10 डिग्री सेल्सियस। दोबारा सुने, छोटा सा सवाल है, भले ही सारी वैल्यू दे रखी है, लेकिन आप इतना देखो ये इसने पूछा क्या है, वो ये कह रहा है
एक मोल जल जिसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया, तो अवस्था उसकी द्रव अवस्था होगी। अब इस जल को हमें बर्फ में कन्वर्ट करना है, लेकिन ताप कितना होना चाहिए, माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहां से यहां तक आने में जो एंथैल्पी परिवर्तन हुआ है, वो एंथैल्पी परिवर्तन की गणना आपको करनी है, ठीक है। यहां से द्रव अवस्था से और ठोस अवस्था में, मतलब जल को बर्फ बनने में कितनी एंथैल्पी परिवर्तित हुई, वो एंथैल्पी आपको ज्ञात करनी है। तो एक नॉर्मल सी बात है कि कभी भी पानी सीधा बर्फ में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मतलब उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो अचानक से उसका माइनस 10 डिग्री सेल्सियस ताप नहीं हो सकता। उसकी जो एंथैल्पी परिवर्तित होगी, उसकी जो ऊष्मा परिवर्तित होगी, वो धीरे धीरे ऊष्मा परिवर्तित होगी उसकी, ठीक है। तो पहले ये वाला जो जल है, ठीक है, ये वाला जल अगर इसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो ये द्रव अवस्था में ही रहेगा, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डाउन हो गया, मतलब ताप नीचे आके 0 डिग्री सेल्सियस पे आया, तो उस अवस्था तक ये जो पानी है वो द्रव अवस्था में ही रहेगा, लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर इसका ये जमना प्रारंभ करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद ये फिर बर्फ में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे, यहां इसका प्रारंभ हुआ है जमना, जमेगा जब, तो इसका टेम्परेचर भी कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जब तक सारा पानी बर्फ में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद ये टेम्परेचर और डाउन होगा इसका, तो 0 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अवस्था इसकी ठोस थी यहां पे, वो ठोस ही रहेगी, ठीक है। तो यहां से यहां तक आने में जो एंथैल्पी परिवर्तित हुई है वो हमने मान ली यहां पे डेल एच वन, ठीक है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक आने में उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ डेल एच वन, ये हमने मान लिया। और यहां से 0 डिग्री सेल्सियस जो द्रव अवस्था में है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस जो ठोस अवस्था में है, यहां तक आने में ये हमने मान लिया यहां एंथैल्पी परिवर्तन हुआ है डेल एच टू। इसके बाद इसका टेम्परेचर घटेगा, मतलब 0 से -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो हमने ये मान लिया कि एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ डेल एच थ्री, ठीक है। अब यहां यहां से यहां तक आने में कितना परिवर्तन हुआ है एंथैल्पी में, वो हमें काउंट करना है, ठीक है। एक बार मैं रिपीट करता हूं, ये ध्यान रखें आप, जल जो आपका एक मोल है उसका ताप दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, वो अचानक से सीधा मतलब माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस पर नहीं आ सकता, मतलब उसकी बर्फ नहीं बन सकती डायरेक्ट, उसे कई प्रकार के एंथैल्पी परिवर्तन करने होंगे तब जाके वो बर्फ में कन्वर्ट होगा। तो पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आया, वो द्रव अवस्था में था, उसके बाद फिर वो जमना प्रारंभ हुआ, जब तक पूरा पानी बर्फ में कन्वर्ट ना हो जाएगा तब तक उसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। उसके बाद फिर उसका टेम्परेचर डाउन होगा, मतलब तापमान कम होता जाएगा, तो 0 से -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये हमने मान लिया कि एंथैल्पी परिवर्तन डेल एस थ्री हुआ है। तो यहां आप जानते हैं कि इस पूरे प्रोसेस का जो एंथैल्पी परिवर्तन है, इस पूरी प्रक्रिया का जो एंथैल्पी परिवर्तन है, इन सारे एंथैल्पी परिवर्तनों के योगफल के बराबर होता है। तो डेल एच बराबर होगा डेल एच वन डेल एच टू प्लस डेल एच थ्री, ठीक है। मतलब इस पूरे प्रक्रिया का जो एंथैल्पी परिवर्तन है, इन तीनों एंथैल्पी परिवर्तन के योगफल के बराबर होगा। डेल एच वन, तो इसकी वैल्यू कहां से आप निकालेंगे, देखें, आपने ऊष्मा धारिता का एक सूत्र पढ़ा है, सी पी बराबर डेल एच बटे डेल टी, ठीक है। स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता डेल एच बराबर डेल टी होती है। तो यहां से अगर आप डेल एच की वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल एच का मान निकालेंगे, तो ये सी पी इंटू डेल टी आएगा, ठीक है। डेल एच बराबर कितना आएगा, सी पी इंटू डेल टी।
अगर आप डेल एच वन के लिए आप निकालोगे तो डेल एच वन बराबर सी पी डेल टी वन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे डेल एच टू के लिए आप निकालोगे तो सी पी डेल टी टू आ जाएगा। ऐसे ही डेल एच थ्री के लिए आप निकालोगे तो ये सी पी डेल टी थ्री आएगा। ठीक है, हमने इसके हिसाब से इनको कन्वर्ट कर लिया है। तो डेल एच वन, डेल एच टू और डेल एच थ्री, इन तीनों का मान तुम इस वाले समीकरण में रखोगे। ठीक है, तो एक बार इसे नोट कर लिया, इसके बाद मैं फिर यहां से स्टार्ट करूंगा। तो डेल एच वन, डेल एच टू और डेल एच थ्री, इन तीनों के मान इस वाले समीकरण में हम रखेंगे। तो डेल एच बराबर हो जाएगा डेल डेल एच का मान यहां से ये रखेंगे तो ये हो जाएगा सी पी डेल टी वन, डेल एच टू का मान सी पी डेल टी टू और डेल एच थ्री का मान हो जाएगा सी पी डेल टी थ्री। ठीक है, अब यहां से ये वाले जो है आपको जो मान दिए हुए हैं ये मान आपको यहां पर रखने हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू दी हुई है गलन एंथैल्पी है, ध्यान रखना ये गलन एंथैल्पी है जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे। अभी यहां ये जो मान दे रखा है वो किलो जूल में दे रखा है, ये मान दे रखा है जूल में, ये भी जूल में है। ठीक है, तो इन दोनों मानों को हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो मतलब ये आप जानते हो एक किलो जूल बराबर कितना होता है, 1000 जूल होता है। तो हमें किलो जूल को मतलब इस जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग करेंगे। तो 1000 से भाग करोगे तो ये आएगा आपका 0.0753। ठीक है, ये वाली वैल्यू जब ऐसे इसे कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 0.0368। ठीक है ना, तो यहां से ये मान अब यहां पर रख दीजिएगा सी पी डेल टी वन, सी पी डेल टी वन, तो टी वन का मतलब यही तो है यहां, मतलब जो इसकी प्रारंभिक अवस्था है, तो यहां तापमान में परिवर्तन कितना हुआ ये मान लिया डेल टी वन, और यहां से यहां तक कितना परिवर्तन हुआ ये आपने मान लिया डेल टी टू, यहां से यहां तक कितना परिवर्तन हुआ ये माना आपने डेल टी थ्री। ठीक है, तो यहां सी पी डेल टी वन मतलब इसकी पानी की द्रव अवस्था की बात कर रहा है, तो जल की जो द्रव अवस्था है वो ये वाली है, इसका मान कितना है ये दे रखा है, तो इसको हम उठा के यहाँ रख देंगे 0.0753। ठीक है, लेकिन यहां हम लगाएंगे माइनस। ठीक है, माइनस लगा के चलेंगे। अब माइनस का मतलब क्या है, देखो जब बर्फ बनती है मतलब ये बर्फ जब जमती है तो ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। बर्फ का जमना क्या है, एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, और ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए जो ये मान होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, एंथैल्पी जो परिवर्तन होगा कैसा होगा, माइनस में होगा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए, और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए होता है वो प्लस में। तो ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है इसलिए हमने यहाँ माइनस लगाया है। सी पी की वैल्यू हमने यहाँ से ये रख दी है। डेल टी वन का मतलब है जब आप द्रव अवस्था में थे तो वहां ताप में कितना परिवर्तन हुआ था, यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब तापमान में परिवर्तन हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ आप गुणा करेंगे 10 की। ठीक है, सी पी डेल टी टू, तो टी टू वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली है जमना, मतलब जब पानी जमना प्रारंभ हुआ था उसकी यहाँ से ऊष्मा धारिता को पूछ रहा है, लेकिन हमें जो एंथैल्पी परिवर्तन दिया हुआ है वो दिया हुआ है गलन एंथैल्पी का, हमें यहाँ पे रखना है जमने वाले का। तो गलना और जमना एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, तो गलन एंथैल्पी का विपरीत हो जाएगा जमने वाली एंथैल्पी। तो ये मान जो आपको प्लस में दे रखा है इसको यहाँ पे रख दोगे आप माइनस में तो 6.03 आ जाएगा। ठीक है, डेल टी टू का मान, डेल टी टू मतलब ये वाला मान, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ताप स्थिर रहा है, इसलिए यहाँ डेल टू में कोई डेल टी टू की जो वैल्यू है कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कोई चेंजिंग हुई नहीं है।
ऐसे ही यहाँ पे आप मान रखोगे सीपी डेल्टा टी थ्री का, टी थ्री का मतलब वो ठोस अवस्था की बात कर रहा है, इसके अंतिम अवस्था की बात कर रहा है। तो अंतिम अवस्था कौन सी, इसकी ठोस अवस्था वाली, तो इसका मान यहाँ रख दोगे आप 0.0368, ठीक है, ये मान आपने वहां पर रख दिया। जब इन सारे मानों को आप सॉल्व करोगे इस पूरे को, तो आपका आंसर आएगा -7.15 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का, तो इसे नोट कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्बन डाइऑक्साइड की दहन एंथैल्पी -393.5 किलो जूल पर मोल है। कार्बन एवं ऑक्सीजन से 35.2 ग्राम CO2 बनने पर उत्सर्जित ऊष्मा की गणना करो, ठीक है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है कितनी, 35.2 ग्राम, ठीक है, किससे बनानी है, कार्बन और ऑक्सीजन से, कार्बन और ऑक्सीजन से क्या बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, ठीक है। आप जानते हो कार्बन ये ठोस अवस्था में होता है, ये गैसीय अवस्था में है और ये भी गैसीय अवस्था में है। तो C+O2 LCO2, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनने की रासायनिक समीकरण है। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 44 ग्राम, 44 ग्राम, मतलब ये ग्राम में हमने मेजर किया, ग्राम में हम इसको मानते हैं, इसका अणुभार कितना होता है, 44 होता है, ठीक है। अब 44 ग्राम CO2 से कितनी उत्सर्जित हो रही है, उसमें इसकी दहन एंथैल्पी कितनी है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो दहन एंथैल्पी है वो कितनी है, -393.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इस रासायनिक समीकरण से तो यही सिद्ध होता है, जब रासायनिक समीकरण बनाएंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसका जो अणुभार होता है वो 44 होता है। तो 44 ग्राम CO2 से कि जो दहन एंथैल्पी है 44 ग्राम CO2 की, वो -393.5 किलो जूल पर मोल है। तो आगे हमें निकालना है कि 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनने में कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी, जब 44 से इतनी एंथैल्पी निकल के आती है, इतनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो 35.2 ग्राम से कितनी निकल के आएगी। तो यहां लिखोगे आप 35.2 ग्राम CO2 से उत्सर्जित ऊष्मा, उत्सर्जित ऊष्मा कैसे निकालेंगे आप, ये -393.5, इसके नीचे आएगा ये 44 ग्राम, और जितना आपसे पूछा गया है उसकी गुणा यहां पे हो जाएगी 35.2। तो जब इसे आप सॉल्व कर, इसे सॉल्व होने के बाद में आएगा -314.8 किलो जूल, ठीक है। एक बार देखें, CO2 की दहन एंथैल्पी इतनी दे रखी है, कार्बन और ऑक्सीजन से 35.2 ग्राम CO2 बनने पर कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी, तो CO2 बनने की रासायनिक समीकरण हमने ये लिखी, यहां से इसका अणुभार होता है 44 ग्राम, तो हमने लिखा है 44 ग्राम CO2 से अगर -393.5 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो 35.2 ग्राम CO2 से कितनी होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा और ये 44 से इसमें भाग करेंगे, और जितना पूछा गया है 35.2 उससे उसमें इतनी गुणा कर देंगे, तो ये सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा वो उसका ये होगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लें, और आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।